प्याज की मौजूदा कीमत मार्केट में 200-250 रुपए है तकरीबन। जितना महंगा प्याज है उतने ही महंगे उसकी पनीरी है। जिस तरह वो सीड है, वो तुकम है जिससे पनीरी तैयार करते हैं, सीड्स की अगर आजकल जो है 1 किलो 3500 रुपए है। एक केनाल से आपका 1 मन सीड निकलता है जो कि हालिया रेट के मुताबिक 1,40,000 रुपए का बनता है। 40,000 रुपए अगर आपके खर्चे हो गए हैं तो वो निकाल दे तो 1,00,000 रुपए आप प्याज की मुख्तलिफ वैरायटी के सेट्स आप लगा सकते हैं। इसके अलावा सेट से पनीर लगा के वो भी मार्केट में आप सेल कर सकते हैं और सीड से तो आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। मछली बिजनेस में आप 15-20,000 से शुरू कर सकते हैं। अगर 10,000 आप माल बेचेंगे, 1,000 तक मुनाफा होगा, 20,000 तक आप सेल करते हैं तो 2,500-2,000 आसानी से आप कमा सकते हैं। इसमें बासी और ताजी मछली की समझ आपको होनी चाहिए। हेड से और दरिया से जो है आप माल हासिल कर सकते हैं। दरिया का माल जो है वो जरा महंगा पड़ता है, पाम से आप हासिल कर सकते हैं। इसमें जो है गुलपाम मछली हो गई तो वो तकरीबन 550 किलो से लेके 700 तक सेल होती है आजकल। बड़ी चूटी का भी फर्क होता है, चूटी जो है 200 में सेल होती है, बड़ी जो है वो 300 में सेल होती है। तो अच्छे स्पॉट पे अगर आप कड़े होते हैं, आप रीढ़ लगाते हैं तो 6-7 मन तक रोजाना जो है आप सेल कर सकते हैं और 12 महीने चलने वाला काम है, बहुत ही आसानी से आप शुरू कर सकते हैं। मजीद समझने के लिए जो है वीडियोज आप देखे, इस तरह के लोगों से मशवरा करें, इंशाल्लाह अच्छा काम है। खवातीन की जूते उसका उसकी ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकते हैं जिनके लिए सरमाया स्टोर की जरूरत नहीं होती। इस तरह खवातीन के बैग्स और परफ्यूम ड्रॉप शिपिंग, इसके लिए भी किसी कैपिटल की जरूरत नहीं है, किसी पैसे की जरूरत नहीं है। लोगों के होलसेल ग्रुप होते हैं जहाँ से आप तस्वीरें ले सकते हैं, अपने स्टेटस पर आप लगा सकते हैं और रोजाना कैश आउट आप करना शुरू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रॉफूड बिजनेस बहुत मकबूल हो रहा है क्योंकि ज्यादातर लोगों को अपने हेल्थ का फिक्र है, बैलेंस डाइट में दिलचस्पी रखते हैं। रॉ मटेरियल जो कच्चा खाना होता है, जो कच्चा खुराक होता है, जो प्रोसेस नहीं होता उसको कहते हैं। इसमें पहला जो है एक रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट कच्चे और जो वेगन खाने होते हैं, जो सलाद होते हैं, स्मूथीज होते हैं, कच्चे वेजी बर्गर होते हैं, उसको बनाने में महारत रखते हैं। ये रेस्टोरेंट अक्सर आला मयार की ताजा अज्जा इस्तेमाल करते हैं और ग्राहकों को सी रेंज को रागब करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के पकवान पेश करते हैं। दूसरा जो है इसमें रॉ फूड बिजनेस का जो है फूड डिलीवरी है, फूड डिलीवरी सर्विस, यानी पहले से जो है तैयारशुदा कच्चे खाने जो है वो डिलीवर करते हैं, बिल्कुल रेडीमेड खाना उनको मिल जाए। लोगों के पास ज्यादातर वक्त नहीं होता कि ताकि वो सिलेक्शन कर सके और वो सेहतमंद जो है अपने लिए मुंतखब कर सके। तीसरे किस्म इसकी जो है इसकी मार्केट, जिसमें फल सब्जियां और गिरीदार मेवे और बेज फरोख करना, जो इस तरह के खानों प्री फूड बनाने के लिए जो है इस्तेमाल होते हैं।